गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो फ्रेंड्स, हम लिटरेरी टर्म्स की बात कर रहे थे। सो आज हमारा डे टू है और इससे पहले की क्लास में हम मैक्सिमम 11 टर्म्स को कवर कर चुके हैं, एब्सर्डिस्ट थिएटर से लेके आर्काइज्म तक। सो आइए अगले टर्म्स पे बात करते हैं। और जैसा कि हमने पहले बताया था कि हम टू द पॉइंट बात करेंगे, सो हमारा लेक्चर बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं होने वाला है। सो आइए, तो हमारा नेक्स्ट टर्म है एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर इज द इमोशनल टोन परवेडिंग अ सेक्शन और द होल ऑफ अ लिटरेरी वर्क दैट क्रिएट्स इन द रीडर एक्सपेक्टेशन एज टू द कोर्स ऑफ इवेंट्स। सो अगर हम बेसिकली एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, सो इट इज़ द इमोशनल टोन जो फैला होता है एक सेक्शन में या पूरे लिटरेरी वर्क में और रीडर में एक्सपेक्टेशन क्रिएट करता है। और अगर इसके बाद हम मेजर प्रैक्टिशनर देखते हैं एंड टेक्स्ट की बात करते हैं इसके, तो है इन हैमलेट है शेक्सपियर का। इसमें इन्होंने इस्टेब्लिश द टेंस एंड फियरफुल एटमॉस्फेयर को इस्टेब्लिश किया है एट द बिगनिंग, शुरुआत में ही, किसके द्वारा? बाय द टर्स एंड नर्वस डायलॉग ऑफ द सेंटिनेल्स। और अगला है हमारा इन क्रिस्टेफल। क्रिस्टेफल में कोल्डिज इनजेंडर्स अ कंपाउंड ऑफ रिलीजियस एंड सुपरस्टिशियस टेरर को इन्होंने बताया है बाय हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ इनिशियल सीन के द्वारा। रिटर्न ऑफ द नेटिव में हार्डी ने एजन हीथ को बनाया हुआ है मेक्स एजन हीथ एंड इमेंस एंड ब्रूडिंग प्रेजेंस दैट रिड्यूसेस टू पेटीनेस एंड फुटिलिटी ऑफ द ह्यूमन स्ट्रगल फॉर हैप्पीनेस फॉर विच इट इज़ द सेटिंग। और बेन जॉनसन का द एल्केमिस्ट है। इसके बाद अगला टर्म देख लेते हैं हमारा, दैट इज़ बैलेट। सो पॉप, अगर हम बैलेट की बात करते हैं तो बैलेट एक सॉन्ग होता है दैट टेल्स अ स्टोरी एंड कम्युनिकेट होता है ओरली एमंग इलिटरेट और पार्टली लिटरेट पीपल के बीच। बेसिकली ये टर्म हमारा डिराइव हुआ है लैटिन और इटालियन बैलेयर से, जिसका मतलब टू डांस होता है। और अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, सो मेनी ऑफ द पॉपुलर बैलेट्स दैट ओरिजिनेटेड इन मिडिल इंग्लिश, बहुत सारे पॉपुलर बैलेट्स जो मिडिल इंग्लिश में ओरिजिनेट हुए थे वो कलेक्ट हुए हैं और प्रिंट हुए हैं इंग्लैंड और जर्मनी में, कब? ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। और अगर कुछ नोटेबल कलेक्शन है तो कौन कौन से? टॉमस पर्सी का है रिलीक्स ऑफ एंशियंट इंग्लिश पोएट्री 1765, फ्रांसिस जे चाइल्ड्स का इंग्लिश एंड स्कॉटिश पॉपुलर बैलेट्स एंड बर्टेंड एच ब्रॉन्सन का ट्रेडिशनल ट्यून्स ऑफ द चाइल्ड बैलेट्स। और कुछ रिसेंट फॉक सिंगर्स हैं कौन कौन से? जैसे वुडी गुदरी, बॉब डायलन एंड टॉमस बेज, जिनसे इन्होंने खुद बैलेट कंपोज किया है। और अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, सो बैलेट को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा पॉपुलर बैलेट, सेकेंड है हमारा लिटरेरी बैलेट। सो पॉपुलर बैलेट क्या होता है? पॉपुलर बैलेट ये वह ओरिजिनली कंपोज बाय सिंगल ऑथर, जो सिंगल ऑथर के द्वारा कंपोज किया जाता है। और दिस ये फॉग, हाँ, पॉपुलर बैलेट को ही हम फॉग बैलेट भी बोलते हैं। सो ये जो हमारा फॉग बैलेट है ये ओरिजिनली सिंगल ऑथर के द्वारा कंपोज किया जाता है। ड्रामेटिक होता है, कंडेंस्ड होता है एंड इम्पर्सनल होता है। और जो इसका नरेटर है, द नरेटर ऑफ द फॉग बैलेट्स स्टार्ट्स द स्टोरी विद अ क्लाइमेक्टिक सीन, जो स्टोरी स्टार्ट करता है वो क्लाइमेक्टिक सीन के साथ स्टार्ट करता है और टेल्स इट विदाउट सेल्फ रेफरेंस, विदाउट सेल्फ रेफरेंस इसको बताता है। और नेक्स्ट है हमारा लिटरेरी बैलेट। लिटरेरी बैलेट ये इट इज़ अ नैरेटिव पोएम रिटन, जो लिखी गई है इन इमिटेशन ऑफ द फॉर्म लैंग्वेज एंड स्पिरिट ऑफ द पॉपुलर बैलेट। पॉपुलर बैलेट के ही फॉर्म लैंग्वेज और स्पिरिट के उससे लिखी गई, इमिटेशन में लिखी गई है, दैट इज़ वो क्या है? लिटरेरी बैलेट। और इसके कौन कौन से फीचर्स हैं? यूजेज द स्टैंजा फॉर्म नोन एज बैलेट स्टैंजा, ये स्टैंजा फॉर्म यूज़ करता है जिसे बैलेट स्टैंजा बोलते हैं। यूजेज थर्ड पर्सन नरेशन यूज़ करता है एंड माइट इम्प्लॉय सेट फॉर्मूलाज सच एज, कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं जैसे कि कौन से फॉर्मूलाज, जैसे कि इसमें दिया स्टॉक डिस्क्रिप्ट वाया फ्रेजेज लाइक ब्लड रेड वाइन अ रिफ्रेन इन ईस्ट स्टैंजा एंड इंक्रीमेंटिया रिपीटेशन इन विच अ लाइन और स्टैंजा इज रिपीटेड। और अगर हम मेजर प्रैक्टिशनर देख लेते हैं तो कौन कौन से? पर्सी का पर्सीज रिलीक ऑफ एंशियंट इंग्लिश पोएट्री, एफ जे चाइल्ड्स का द इंग्लिश एंड स्कॉटिश बैलेट, और कुछ बेस्ट नोन लिटरेरी बैलेट हैं जे जी ए बर्गर्स का लिन्योर है, गोदेस का अर्ले कॉनिग है, कोलिजिस का राइम ऑफ एंशिएंट मैनर, वॉल्टर स्कॉट का प्राउड मैजी और किड्स का लाबेल डेंसेंस मर्सी। अगला है हमारा बैरोक।
सो बैरोक क्या है, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पर्पज से, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। बैरोक इज अ टर्म अप्लाइड टू एनी एलिब्रेटिवली फॉर्मल एंड मैग्निलोक्वेंट स्टाइल इन वर्स और प्रोज। सो बेसिकली हमारा जो बैरोक है ये डिराइव हुआ है स्पेनिश और पोर्टुगीज नेम परले के लिए यूज़ हुआ है, जिसका मतलब रफ और इरेगुलर इन शेप होता है। जो परल है वो शेप में इरेगुलर है और वो क्या है, रफ़ है। और ये कहाँ से निकला है, स्पेनिश और पोर्टुगीज नेम से निकला हुआ है। जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट, और चूँकि अगर हम इसकी फीचर्स देख लेते हैं तो द स्टाइल एम्प्लॉयज अ क्लासिकल फॉर्म ऑफ रिनेसा बट ब्रेक्स देम अप एंड इंटरमिंगल्स विद द सो ये जो इसकी स्टाइल है वो इम्प्लॉय करती है क्या, क्लासिकल फॉर्म्स ऑफ रिनेसा। और अगर हम मेजर प्रैक्टिशनर इसके कौन कौन से हैं, सो जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है, टॉमस डिक्वेंसी का कन्फेशंस ऑफ द इंग्लिश ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर है। नेक्स्ट है हमारा बीट राइटर। सो फ्रेंड्स ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये नेट के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो ये रिवाइज्ड क्वेश्चन है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बीट राइटर्स होते क्या है, बेसिकली ये ही पूछता ही है। और ग्रुप में बीट राइटर्स ग्रुप में कौन कौन से राइटर्स को रखा गया है, सो बीट राइटर्स आर अ ग्रुप ऑफ पोएट्स एंड राइटर्स ऑफ 1950s एंड 1960s। 1950s और 1960s के ग्रुप ऑफ पोएट्स हैं जो हु शेयर्ड, जिन्होंने क्या शेयर किया है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट एंटी पॉलिटिकल एंड एंटी इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड दैट वर इन फेवर ऑफ अनफेटर्ड सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। और अगर हम ओरिजिन ऑफ द टर्म की बात करते हैं, सो बीट यूज हुआ है, द टर्म बीट वॉज यूज टू मीन बीटन डाउन और बीटिफिक, और दैट डिस्क्राइब्ड एक्सटैटिक स्टेट दैट दे एक्सपीरियंस्ड विद द हेल्प ऑफ रिलीजन मिस्टिसिज्म। ये डिस्क्राइब करता है उस एक्सटैटिक स्टेट को जिसमें वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, विद द हेल्प ऑफ रिलीजन मिस्टिसिज्म और ड्रग्स के हेल्प के साथ वो एक्सपीरियंस करते हैं। सो फीचर्स दिस इज़ ऑल्सो नॉट सो इम्पॉर्टेंट। और अगर हम मेजर प्रैक्टिशनर देखते हैं तो इसमें हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ इसको आप नोट कर लीजिए। कौन कौन से, एलन गिन्सबर्ग, ग्रिगरी कॉर्सो, लॉरेंस फेलिंगहेटी, विलियम बोरो एंड जैक केरुएक, ये हमारे मेजर प्रैक्टिशनर है, बीट राइटर्स हैं। और एलन गिन्सबर्ग का हाउल है, ये 1956 में पब्लिश हुआ है, ये पोयम दैट सेलिब्रेट्स द सब कल्चर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स, सोशल मिसफिट्स एंड कंपल्सिव वॉन्डर्स एंड पोर्ट्रेज द डिग्रेडेशन ऑफ द इंटेलेक्ट एंड द सेंसेस इफेक्टेड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्सुअल अबैंडन, ड्रग्ड हेलुसिनेशन एंड रिलीजियस स्ट्रेसेस। और जैन कैरुएक का ऑन द रोड, इट इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंशियल नॉवेल ऑफ द मूवमेंट। और अगला है हमारा बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। सो बायोग्राफी क्या होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बायोग्राफी जो किसी भी राइटर का के बारे में जो लिखा जाता है, पर्टिकुलर मीन्स अ रिलेटिवली फुल अकाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन्स लाइफ। सो व्हाट इज बायोग्राफी, बायोग्राफी मीन्स अ रिलेटिवली फुल अकाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन्स लाइफ और दैट ट्राइज टू सेट फोर्थ कैरेक्टर टेम्परामेंट एंड माइल्यू एज वेल एज सब्जेक्ट एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस। सो ड्राइडन ने क्या डिफाइन किया, जॉन ड्राइडन डिफाइंड बायोग्राफी नीटली एज द हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर मेन्स लाइफ, किसी भी इंसान के लाइफ के की जो हिस्ट्री होती है उसको हम बायोग्राफी बोलते हैं। और अगर इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, सो बिगनिंग फ्रॉम द टाइम्स ऑफ एंशियन ग्रीक एंड रोमन राइटर्स के समय से शुरू है, एंड द बायोग्राफी हैज़ डेवलप्ड फ्रॉम बीइंग शॉर्ट फॉर्मल लाइफ्स ऑफ द इंडिविजुअल्स टू द स्टाइलाइज्ड लाइफ्स ऑफ क्रिश्चियन सेंट्स ड्यूरिंग द मिडिल एजेस। और अगर हम मेजर प्रैक्टिशनर देखते हैं तो प्लूटार्क का पैरेलल लाइफ्स ऑफ ग्रीक एंड रोमन पर्सनैलिटीज, इजाक वाल्टन्स का द लाइफ्स, सैमुअल जॉनसन्स का लाइफ्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स 1779 से 81 एंड जेम्स बॉसवेल का लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन।
सो इसमें मेन जो हम अगर टर्म्स की बात करते हैं, सो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेन आप टर्म्स को डिफाइन कर लीजिए कि ये टर्म्स होता क्या है, और जो पॉपुलर इसमें बुक्स दी हुई हैं, जो मेजर प्रैक्टिशनर और टेक्स्ट दिए हुए हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पज़। और नेक्स्ट है हमारा ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? इट इज़ अ बायोग्राफी रिटन बाय द सब्जेक्ट अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, जो मतलब एक इंसान खुद अपने बारे में लिखता है, दैट इज़ ऑटोबायोग्राफी डिफरेंट फ्रॉम द मेमोयर। और अगर इसके हम मेजर प्रैक्टिशनर देख लेते हैं, गोदे का है डिस्टंग एंड वॉरहेड पोएट्री एंड ट्रूथ, एंड ये पब्लिश हुई है 1810 से 31 में। ऑटोबायोग्राफीज ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन, हेनरी आदम्स, सीन ओ केजी, लिलियन हेलमन एंड गर्ट्रूड स्ट्रेन, ये सारे मेजर प्रैक्टिशनर हैं। और जॉन बनियान्स का ग्रेस अबाउंडिंग टू द चीफ ऑफ सिनर्स 1666 में पब्लिश हुआ है। वर्ड्सवर्थ का द प्रील्यूड, ये 1850 में पब्लिश हुआ है। नेक्स्ट है हमारा ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स क्या होता है? ब्लैंक वर्स इज अनराइम्ड लाइंस ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर। ये अनराइम्ड लाइंस होती है आयम्बिक पेंटामीटर की। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्म ऑफ वर्सिफिकेशन बिकॉज ऑफ इट्स रिजेम्बलेंस टू द नेचुरल रिदम्स ऑफ द इंग्लिश स्पीच। और अगर हम ये इंट्रोड्यूस किया गया हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, तो इंट्रोड्यूस्ड बाय अर्लॉफ सरे इन हिज ट्रांसलेशन ऑफ बुक 2 and 4 ऑफ वर्जिल्स एनीड, यूज एज द स्टैंडर्ड मीटर फॉर द एलिजाबेथन लेटर पोएटिक ड्रामा। ये एक स्टैंडर्ड मीटर एज यूज हुआ है एलिजाबेथन और लेटर पोएटिक ड्रामा के लिए। और ये अपीयर हुआ है सबसे पहले कहाँ? इन ड्रामा इन थॉमस सैकवाइल एंड थॉमस नॉर्टन्स के गॉरबोडक में सबसे पहले हमको देखने को मिलता है। और अगर हम फीचर्स की बात करते हैं, तो लाइंस ऑफ एम्बिक पेंटामीटर 5 staged एम्बिक वर्स अनराइम्ड एंड हेंस कॉल्ड ब्लैंक वर्स। सो एम्बिक पेंटामीटर की जो लाइंस है उसमें 5 stress एम्बिक वर्स होते हैं, दैट इज़ वो क्या होते हैं? अनराइम्ड होते हैं, और उसी को हम ब्लैंक वर्स बोलते हैं। फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टिव टू डाइवर्स लेवल ऑफ डिस्कोर्स, ये इतना वो इंपॉर्टेंस नहीं है, मेजर प्रैक्टिशनर देख लेते हैं। तो जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है, जेम्स थॉमसन्स का द सीजन है, ये हमारा 1726 से 30 के बीच पब्लिश हुआ है। वर्ड्सवर्थ का द प्रील्यूड है, अल्फ्रेड टेनिसन का आइडल्स ऑफ द किंग है, रॉबर्ट ब्राउनिंग का द रिंग एंड द बुक है, और टी एस एलियट का द वेस्टलैंड है। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग्स वर्स नॉवेला, दैट इज अरोरा ली, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम है दैट इज बर्चेस। अब अगला हमारा टर्म है दैट इज़ बॉम्बास्ट। बॉम्बास्ट क्या है? मीन्स अ वर्डी, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं फिर भी हम देख लेते हैं क्योंकि हमारे बुक में है। बॉम्बास्ट मीन्स अ वर्डी एंड इन्फ्लेटेड डिक्शन दैट इज़ पेटेंटली डिस्प्रोपोर्टिनेट टू द मैटर इट सिग्निफाइज। इट इज़ कॉमन इन एलिजाबेथन लिटरेरी वर्क एंड पॉलिटिकल स्पीच। सो बॉम्बास्ट मीन्स बेसिकली वर्डी एंड इन्फ्लेटेड डिक्शन होता है। और ये कब कॉमन था? इट इज़ कॉमन ये एलिजाबेथन लिटरेरी वर्क्स और पॉलिटिकल स्पीच में ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन था। और अगर ओरिजिन की इसकी बात करते हैं, तो बॉम्बास्ट मतलब होता है कॉटन स्टफिंग, एंड एलिजाबेथन टाइम में इट केम टू बी यूज एज अ मेटाफर फॉर अ ओवर एलिबरेट स्टाइल के लिए, ये एज अ मेटाफर यूज किया गया है। सो और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं, तो ग्रेट राइटर्स जैसे कि मॉर्लो हैं, इन्होंने यूज़ किया है बॉम्बास्टिक स्टाइल इन अप्रोप्रिएट टू इट्स सेंस। और अगर हम मेजर प्रैक्टिशनर की बात करते हैं, सो कौन कौन से हैं? फेनरी फील्डिंग्स क्या द टॉम थम्ब द ग्रेट 1731 यूजेस पॉम्पोस लैंग्वेज टू पैरोडी जेम्स थॉमसन्स द ट्रेजडी ऑफ सॉफ्निस्बा। नेक्स्ट है क्रिस्टोफर मॉर्लो का टेम्बरलिन द ग्रेट। सो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने मैक्सिमम ये 18 टर्म्स को हमारा फिनिश हो चुका है। सो नेक्स्ट क्लास में फिर हम आपको मिलते हैं, हम नए टर्म्स के साथ फिर मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।